नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही टेस्टी एक बैंगन से बने रेसिपी शेयर करूँगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के ज़रूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 250 ग्राम छोटे वाले बैंगन। बैंगन को अच्छे से मैंने धोने के बाद सुखाया और उसके बाद मैंने इस तरीके से बीज में एक कट लगा लिया है। सिर्फ एक ही कट हमें लगाना है और बैंगन आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते रेसिपी। अब हम एक कटोरी में ले लेंगे आधा कप दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। डालेंगे हम यहाँ पे एक चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही हम डालेंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला। दही में हम अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप कौन से गांव से या कौन से शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की रेसिपी बनाने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। दही में मसाले अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम बैंगन में डालेंगे थोड़ा सा नमक और हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। तो नमक अच्छे से लगा लिया है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हम पैन में ले लेंगे 4 चम्मच तेल। तेल जैसे गर्म हो जाए हम डाल देंगे बैंगन। बैंगन को हम मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे, जब तक बैंगन अच्छे से हमारा फ्राई ना हो जाए। तो बैंगन को हम बीच बीच में चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। बैंगन को हम बीच बीच में पलटते हुए फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए, 2 मिनट के लिए और हमें बैंगन को फ्राई करना है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। रोटी पराठे के साथ खाने में आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। 5 मिनट हो गए बैंगन को हमें फ्राई करते हुए। बैंगन का कलर बहुत ही अच्छे से चेंज हो गया है और बैंगन हल्का सॉफ्ट भी हो गया है। हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पेस्ट तैयार किया है, तो उसके लिए एक बड़े साइज के टमाटर, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक को मैंने पीस लिया है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखेंगे और डालेंगे 1/2 चम्मच हींग। जीरा और हींग को हम पहले फ्राई कर लेंगे। जीरा जैसे ही अच्छे से चटक जाए हम डाल देंगे टमाटर और अदरक का पेस्ट। बिल्कुल थोड़ा सा हम जार में पानी डाल के डाल देंगे और 4 से 5 मिनट हम अच्छे से टमाटर पेस्ट को भूनेंगे। उससे पहले हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर और बिल्कुल 2 से 3 पिंच डालेंगे हल्दी। अच्छे से हम गैस का फ्लेम मीडियम करके भूनेंगे, जब तक एकदम मसाले के साइड से तेल अलग ना दिखने लगे। 3 से 4 मिनट हो गए टमाटर पेस्ट को भूनते हुए और देखिए अच्छे से टमाटर का पेस्ट भून चुका है। साइड से जैसे तेल अलग दिखने लगे हम डाल देंगे जो हमने दही में मसाले को मिक्स करके रखे थे। बिल्कुल थोड़ा सा कटोरी में पानी डाल के हम डाल देंगे मसाले में और 3 से 4 मिनट के लिए मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक मसाले के साइड से फिर से तेल अलग ना दिखने लगे। चार से पाँच मिनट हो गए मसाले को भूनते हुए और आप देख सकते हो मसाले बहुत ही अच्छे से हमारा भून चुका है। एकदम साइड से तेल जैसे ही अलग दिखने लगे हम डाल देंगे फ्राई किए हुए बैंगन, साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से हम पहले मसाले के साथ बैंगन को 2 मिनट के लिए भूनेंगे, फिर हम डालेंगे 1/2 कप पानी। बैंगन को हमने पहले फ्राई कर लिया था तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो बस मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करके ढक देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए मसाले के साथ बैंगन को भूनते हुए। अब हम डाल देंगे 1/2 कप पानी। गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे और बैंगन को ढक के पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक बैंगन हमारा पूरी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। तो पहले हम ग्रेवी में एक बॉयल आने का वेट करेंगे।
जैसे ही ग्रेवी में बॉईल आ जाए पैन को कवर करेंगे 4-5 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए और हमारा टेस्टी बैंगन मसाला बनके तैयार है। लास्ट में हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। बस आप मिक्स करके गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अगर आपको इससे ज़्यादा और ड्राई चाहिए तो आप 1-2 मिनट अपने हिसाब से यहाँ पे और ड्राई कर लीजिएगा ग्रेवी को। धनिया पत्ते डाल के अच्छे से मिला के हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ढक के रखेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए, फिर हम सर्व करेंगे। 2 मिनट बाद हम बैंगन को सर्व कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप देख के समझ सकते हो ये बैंगन मसाला खाने में कितना टेस्टी होगा। लेकिन मानिए, एक बार आप बनाएंगे ना, आपका ये फेवरेट बन जाएगा। तो सिर्फ एक बार आप मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए अब हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, आप देख के समझ सकते हो जो सब्जी देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, खाने में कितना टेस्टी होगा। तो जल्दी से जाइए और रेसिपी को ट्राई कीजिए। अच्छा लगे रेसिपी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छा लगे खाने के बाद तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।